हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुक्रत और आप देख रहे हैं टेकी स्टफ। आप सभी लोगों का हमारे डेली टेक के एक और नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के एपिसोड में आप लोगों को बहुत सारी एक्साइटिंग न्यूज़ यहां पे देखने को मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देखना और एंजॉय करना। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अब वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे सैमसंग के साथ में। और सैमसंग गैलेक्सी M42 5G ये जो स्मार्टफोन है ये गूगल प्ले कॉन्सोल पे यहाँ पे लिस्ट हो चुका है। और ये स्मार्टफोन जो है वो कल आप लोगों को इंडिया में देखने को मिलेगा दोपहर को 12 बजे। और इसको जो है वो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं अमेजोन पे। और सैमसंग की तरफ से आप लोगों को ये देखने को मिलने वाला एम सीरीज में पहला 5G स्मार्टफोन जो है ये बन जाता है। और काफी इंटरेस्टिंग ये स्मार्टफोन यहाँ पे होने वाला है। और ऐसे बताया जा रहा है कि इसकी प्राइसिंग जो है वो आप लोगों को 20,000 रुपीज से लेके 25,000 रुपीज के बीच में यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो क्या आप लोग यहाँ पे एक्साइटेड है सैमसंग गैलेक्सी M42 5G के लिए? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं नॉइस की तरफ। और नॉइस कंपनी की तरफ से कुछ स्मार्ट वॉचेस और स्मार्ट बैंड्स जो है वो इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे यहाँ पे लिस्ट हो चुके हैं। और इसका मतलब जो है वो नॉइस की तरफ से आप लोगों को अपकमिंग डेज में कुछ ना कुछ जो है वो इंटरेस्टिंग स्मार्ट वॉचेस और स्मार्ट बैंड्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे नॉइस जो है वो कितनी जल्दी इनको यहाँ पे इंडिया में लॉन्च करता है। तो अब वापस बढ़ते हैं सैमसंग की तरफ। और सैमसंग का एक 65 वॉट का फास्ट चार्जर बहुत ही जल्दी आप लोगों को यहां पे देखने को मिल सकता है। और ये चार्जर जो है वो इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पे यहां पे लिस्ट हो चुका है। और सैमसंग जो है वो अभी तक अपने स्मार्टफोन के साथ में 25 वॉट्स का मैक्सिमम चार्जिंग स्पीड जो है वो यहां पे प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन अब जो है वो सैमसंग का खुद का 65 वॉट का फास्ट चार्जर आप लोगों को बहुत ही जल्दी यहां पे देखने को मिलने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छी बात यहां पे बन जाती है। तो अब बढ़ते हैं Vivo की तरफ। और Vivo V21 5G ये जो स्मार्टफोन है ये आप लोगों को 29th ऑफ अप्रैल को इंडिया में देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे इसका हाईलाइटिंग फीचर ये है कि आप लोगों को इस फोन में 44 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है OIS के साथ में। और यहाँ पे आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग फीचर देखने को मिलता है जिसका नाम है स्पॉटलाइट सेल्फी। और ये जो है वो आप लोगों को स्पॉटलाइट जैसे यहाँ पे फ्रंट फ्लैश जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्मार्टफोन होने वाला है और बहुत ही अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस आप लोगों को इस डिवाइस में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं एप्पल की तरफ। और एप्पल ने अपने iOS 14.5 के अपडेट को जो है वो रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे आप लोगों को धीरे धीरे ये अपडेट जो है वो सारे के सारे iPhones में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसमें जो है वो बहुत सारे आप लोगों को छोटे छोटे फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। नए इमोजीज का जो है वो सपोर्ट यहाँ पे ऐड किया गया है। और आप लोग जो है वो फेस आईडी अब से मास्क के साथ भी यहाँ पे जो है वो यूज कर सकते हैं। और बाकी सारे भी फीचर्स जो है वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे iPhones यूज करते हैं तो आप लोग जाके iOS 14.5 को यहाँ पे जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आज की आखिरी न्यूज की तरफ। और आज की आखिरी न्यूज आप लोगों को यहाँ पे Realme की तरफ से देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे Realme GT Neo या फिर Realme X7 Max ये दोनों में से कोई एक स्मार्टफोन आप लोगों को मई के फर्स्ट वीक में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और आस्क माधव के रिसेंट एपिसोड में जो है वो माधव सेठ ने यहाँ पे बता दिया है कि 4th मई को उनकी जो है वो आप लोगों को यहाँ पे एनिवर्सरी देखने को मिलती है। तो हो सकता है कि आप लोगों को 4th मई पे ही जो है वो Realme GT Neo या फिर Realme X7 Max और इसी के साथ में कुछ नए स्मार्ट टीवीज वगैरह जो है वो देखने को मिल जाए। तो देखते हैं यहाँ पे कितनी जल्दी ये स्मार्टफोन जो है वो इंडिया में लॉन्च होता है और कौन सी प्राइसिंग पे Realme जो है वो इसको इंडिया में लॉन्च करता है। तो बस इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना इसे अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ऐसे ही टेक रिलेटेड लेटेस्ट कंटेंट देखने के लिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि जब भी मैं नए वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलनी चाहिए। और मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।